दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टैबलेट्स अंडर 25,000 रुपीज जो आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, और सभी की बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आप इजीली उन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके पहले भी हम डिफरेंट प्राइस रेंज में टैबलेट्स के लिए वीडियोज बना चुके हैं और उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी क्वालिटी टेक्निकल वीडियोज हम रोज लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के पांचवें नंबर के टैबलेट के साथ में, और आता है लेनोवो की तरफ से। उसका नाम है लेनोवो स्मार्ट टैब M10 और ये सेकेंड जनरेशन वाला टैबलेट है, इसलिए यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है वो थोड़ी अपग्रेडेड मिलती है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 10.1 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है जो IPS LCD पैनल के साथ में आती है, और इसकी कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। आउटडोर में आपको थोड़ी सी जो स्क्रीन विजिबिलिटी है वो कम लगेगी, पर इंडोर्स के लिए काफ़ी अच्छा टैबलेट है स्क्रीन वाइज। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, हीलियो MediaTek P22T प्रोसेसर मिलता है जो ठीक प्रोसेसर है। अगर आपको कोई नॉर्मल टास्किंग करनी है, पढ़ना है, मूवीज़ देखनी है या इंटरनेट सर्फ करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, हैवी इंटेंसिव ग्राफिक्स वाली गेमिंग करनी है तो इसमें आपको काफ़ी लैग या हैंग मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो यहाँ पे आपको 4GB रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। दोस्तों पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलता है और एंड्रॉयड 9 पाई को ये सपोर्ट करता है, और इसकी प्राइस 20,999 रुपये है फ्लिपकार्ट पे, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के चौथे नंबर के टैबलेट की तो आता है लेनोवो की तरफ से। उसका नाम है लेनोवो आइडिया पैड D330 और ये एक विंडोज़ टैबलेट है। अगर आपको विंडोज़ पे काम करना है या फिर विंडोज़ के कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप चलाते हैं अपनी कंपनी के लिए तो ये टैबलेट कम लैपटॉप की टाइप में है और ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है प्रोडक्टिविटी लेवल पे। ये एक परफॉर्मेंस टैबलेट नहीं है जहां पे आप हैवी गेमिंग कर पाओ, पर आप नॉर्मल टास्किंग के लिए ये टैबलेट देख सकते हैं अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टैबलेट चाहिए तो। दोस्तों इसमें आपको 10.1 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है जो काफी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है और काफी अच्छी डिस्प्ले है कलर विजिबिलिटी और कलर एक्यूरेसी के हिसाब से। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहां पे आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है जिसका नाम है इंटेल सेलरॉन N400 डुअल कोर प्रोसेसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेसर हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, नॉर्मल टास्किंग के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। मूवीज देखने के लिए या प्रोडक्टिविटी लेवल पे अगर आपको कुछ करना है, PDF या फिर एक्सेल फाइल्स में कुछ करना है तो ये ठीक ठाक प्रोसेसर है, पर गेमिंग के लिए आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5080 mAh की लगभग 5100 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देती है, और साथ में 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और ये ठीक ठाक फोटोज ले लेता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ठीक ठाक कैमरा है, पर बहुत अच्छा रिजल्ट आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्टिविटी वाला है। अगर आपको एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टैबलेट चाहिए स्क्रीन टच तो आप इसे देख सकते हैं जो टैबलेट प्लस लैपटॉप में भी कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के तीसरे नंबर के टैबलेट की तो आता है सैमसंग की तरफ से। उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब A10 इंच वाला जिसमें आपको 10.1 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और साथ में यहाँ पे आपको एक्जिनोस का 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो नॉर्मल टास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है और नॉर्मल गेमिंग भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। डे टू डे टास्क में आपको कोई भी लैग या हैंग नहीं मिलेगा और डिस्प्ले तो एकदम जबरदस्त इसकी है ही। दोस्तों अगर बात करें इसके कैमराज की तो आपको पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, आगे की तरफ 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, 7000 mAh की एक बैटरी मिलती है, 20,999 रुपये इसकी प्राइस है, और उस प्राइस रेंज में काफ़ी जस्टिफाइबल टैबलेट है। अगर आपको नॉन चाइनीज टैबलेट चाहिए तो आप इस टैबलेट की तरफ देख सकते हैं, और ये फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा 20,000 रुपए के आसपास में, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के दूसरे नंबर के टैबलेट की तो ये आता है हुआवे की तरफ से, और ये आजकल थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहने लगा है कुछ एक महीने से, पर पहले मैं जब देखता था तो ये काफ़ी अच्छे से अवेलेबल था और बहुत लोगों ने इसे खरीदा भी है। मेरे दोस्त इसे यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक है। इसका नाम है हुआवे मीडिया पैड M5 लाइट, और इसमें आपको एक स्टाइलस भी मिलता है। साथ में ये आने वाला है 10.1 इंच की डिस्प्ले के साथ में, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, IPS LCD पैनल, और ये काफ़ी अच्छा पैनल है। यहाँ की जो आपकी जो ब्राइटनेस लेवल है इस टैबलेट में वो भी काफ़ी अच्छी है और कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको हाई सिलिकन किरीन 659 प्रोसेसर मिलता है जो इक्विवेलेंट है स्नैपड्रैगन के 625 के,
और ये प्रोसेसिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल टास्किंग में या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन लोडिंग अनलोडिंग में कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे। इनफैक्ट आप गेमिंग भी कर सकते हैं, लाइट वेट गेमिंग या फिर पबजी भी आप मीडियम ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं। थोड़ी बहुत स्टटरिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं, पर प्लेएबल है ये मीडियम ग्राफिक्स पे इस प्रोसेसर के साथ में। दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी 7500 mAh की मिलती है जो काफ़ी बड़ी है और आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो दे ही देती है। और साथ में अगर कैमराज की बात करें तो आपको 8 MP का बैक कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, हरमन गार्डन के क्वाड स्पीकर मिलते हैं, साथ में डुअल बैंड 5.5 को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, USB टाइप सी मिलता है और फास्ट चार्जर आपको बंडल मिलता है 15 W का। तो इस प्राइस रेंज में 20,999 रुपये में 3 GB 32 GB बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है स्टाइलस के साथ में। तो आप इस स्मार्टफोन को देख सकते, इस टैबलेट को आप देख सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के नंबर 1 टैबलेट की तो ये आता है लेनोवो की तरफ से और इसका नाम है लेनोवो टैब P10। और अगर बात करें इसके सारे स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 10.1 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है जो आती है IPS LCD पैनल के साथ में। और यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी अच्छा मिलता है लेनोवो के साथ में। डिस्प्ले में आपको जो क्वालिटी है वो सैमसंग जैसी नहीं मिलती है पर काफ़ी अच्छी मिलती है और रीडिंग पर्पज में आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। मूवीज़ में भी आपको जो कलर हैं वो काफ़ी सैचुरेटेड मिलते हैं और काफ़ी पंची मिलते हैं, IPS LCD पैनल के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर मिलता है और ये भी एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है नॉर्मल टास्किंग में। कोई भी एप्लीकेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी या फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। कोई नॉर्मल एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हैं तो कोई भी लैग या हैंग ज़रूर नहीं मिलेगा। अगर आप बात करें गेमिंग की तो लाइट वेट गेम्स आप आराम से खेल सकते हैं, 400 MB तक के गेम आप आराम से हाई ग्राफिक्स पे भी खेल सकते हैं। पर अगर बात करें पबजी की या फिर फोर्टनाइट की या फिर COD की तो वो आपको मीडियम ग्राफिक्स पे भी काफ़ी हद तक आपको जो है स्टटरिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप मिल सकते हैं। तो ये हार्डकोर गेमिंग के लिए तो नहीं बना है पर हाँ ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरास की तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 8 MP कैमरा मिलता है और आगे की तरफ 5 MP का कैमरा मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है जो आपको आराम से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। और फास्ट चार्जर के नाम पे यहाँ पे आपको 10 W का चार्जर ही मिलता है जो एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 8.0 मिलता है पाई का वर्जन और इसमें आपको अपग्रेड भी मिल सकता है जैसा कि लेनोवो यहाँ पे कंफर्म कर रही है। इसकी प्राइस 24,999 रुपये है फ्लिपकार्ट पे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।